गाइस, हम मुसीबत में हैं। अंदर भी खतरा, बाहर भी खतरा। बाहर कुत्ते फिर रहे हैं और अंदर दरिंदे। अच्छा, मेरा आइडिया ये था कि हम आज शेयर्ड हॉस्टल में रहेंगे। मतलब मैं जिंदगी में कभी नहीं रहा, तो मैंने शेयर्ड हॉस्टल बुक किया हुआ था। रोमानिया से जो अगला मुल्क है वो है बुल्गारिया, और आज हम पहुंच गए हैं बुल्गारिया में। अभी मैं सोफिया बुल्गारिया में। बुल्गारिया यूरोप का आखिरी मुल्क है। अब इससे आगे तुर्की, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान। लेकिन आज का व्लॉग अभी शुरू नहीं हुआ। आज का व्लॉग शुरू हुआ था कल शाम को, जब हम बुल्गारिया में एंटर हुए थे। जब बुल्गारिया रोमानिया थोड़ा सा डिफरेंट है, ये उससे कुछ ज्यादा ही पस्त एग्जैक्ट है। जितना हम ईस्ट में जाते जा रहे हैं उतना लैंडस्केप चेंज होता जा रहा है। कम सब्जा, खुश्क पहाड़, जो यूरोप वाली फीलिंग्स है वो कम होती जा रही है। वैसे ना हमारा डर थोड़ा जायज था, अगर रात को मैं इस रोड पे चलना पड़े। हाँ, नहीं थोड़ी है डेंजरस है, एटलीस्ट लग रहा है, क्योंकि पहले तो शायद आए, क्योंकि इतना सुनसान है ना इधर उधर सारा। दूसरा वो है ना, सारा मतलब अजीब सी रोड है और कर्व्स बहुत ज्यादा हैं, लाइट्स भी नहीं है। वैसे तो मेरी कोशिश ये थी कि हम रात होने से पहले पहले सोफिया में पहुंच जाएं, क्योंकि काफी सुनसान इलाका है और हमें यहाँ की सिचुएशन का भी नहीं पता, और मोस्टली जो हमारा रास्ता वो पहाड़ी रास्ता है और वहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। लेकिन हम में से एक बंदा कुछ ज्यादा डर रहा था, सोचा थोड़ा उसका चेजा भी ले लें। अगर आप रोमानिया से सोफिया जा रहे हैं तो रास्ते में जो रोड है वो छोटे छोटे सिंगल रोड हैं, और आप छोटे छोटे गांव से गुजर के जाते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ रियली यूनिक एक्सपीरियंस, वेरी यूनिक फीलिंग्स। In 200 meters, turn right. मिट्टी के घर बने हुए हैं, बनाए हुए हैं, बने हुए हैं। कच्चे रोड, घरों में खेती बाड़ी, प्योर पाकिस्तान। पुराने ट्रक, नाशपातियां, कुत्ते जो भौंकते हैं और संजीर से बांधे हुए, जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं नजर आते, भौंकते हैं और बहुत संजीदगी से भौंकते हैं। बुल्गारिया में एंटर होते ही हमें मिला खूबसूरत सनसेट एंड अमेजिंग सीनरी ऑफ माउंटेन्स, और इससे जो आगे का हमारा रास्ता है वो सारा इन्हीं पहाड़ों में है। टू बी ऑनेस्ट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। पहाड़ी रास्ता, कर्व्स, लेस ट्रैफिक, अंधेरा, थोड़ी थोड़ी चीखों की आवाजें, जस्ट अमेजिंग। नहीं जी, अब हम लोग एंटर हो चुके हैं बल्गारिया के शहर शेखुपुरा में। शेखुपुरा सोफिया। अभी तक यहाँ पे यूरोप वाली फीलिंग्स नहीं आई, बल्कि तारे और बोर्ड देख के तो लाहौर वाली फीलिंग। हाँ, मालरोड है,
माल पे जा रहे हैं, मालो माल। कुछ घंटों की मुसाफत के बाद हम पहुंचे फाइनली सोफिया। यहाँ मेरा एक एडवेंचर खत्म हुआ और दूसरा एडवेंचर स्टार्ट। यार ओके, आपको सरप्राइज के लिए मैंने कैमरा चलाया है। यार ये भी ऐसा सरप्राइज होगा ना, इसलिए मुझे आगे भी रखा। आपके लिए सरप्राइज है ना, इसलिए मुझे अगर सरप्राइज ठीक ना लगा तुम्हारा मैं तो ठीक है ठीक है। यू कैन चूज हु वेयर, या या वी विल डिसाइड हु यू वेयर स्टीव। यस एंड डोंट मेक नॉइस, पीपल आर स्लीपिंग। चलो ठीक है, दैट्स गुड। पहले ये सोचो इसको बट छोटा है। छोटा वो क्या करना है तनु फेर ले। ओके अब सरप्राइज तो साथ साथ ही चलते रहे जानी। अच्छा मेरा आइडिया ये था कि हम आज शेयर्ड हॉस्टल में रहेंगे, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रहा, तो मैंने शेयर्ड हॉस्टल बुक किया हुआ था। उस कमरे में 8 बेड है, जिनमें से 4 हमारे हैं और 4 कोई और लोग हैं। तो ये मेरा आइडिया था, तो मुझे पसंद भी था, लेकिन जो मेरे बुजुर्गान मेरे साथ है देखने से पहले पसंद था। नो आई एम स्टिल। अब आप क्यों नहीं कहते हेल्प मी, मेरे दोस्त की इज्जत खतरे में। तो ये बुजुर्गान कह रहे हैं कोई और अपार्टमेंट ढूंढो, यहाँ नहीं सोना। और एट द एंड में एक और होटल बुक करके वहां जाके सोना पड़ा। अभी हम सोफिया में हैं इन बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोप का आखिरी मुल्क है, इससे आगे तुर्की शुरू जाता है और उसके आगे ईरान और फिर पाकिस्तान। मेरे ख्याल रात को तकरीबन 9 बजे पहुँचे हैं सोफिया में, आफ्टर लॉट ऑफ फन अराउंड 12 o'clock इन आवर हॉस्टल। मैंने इस ट्रैवल में रियलाइज़ किया है कि हर बंदे का डिफरेंट मकसद है ट्रैवल करने का। कुछ लोगों के लिए इट्स मोर लाइक रिलैक्सिंग, अपनी डेली रूटीन से थोड़ा दूर जाना, लेकिन मेरा पर्सनली इट्स मोर लाइक एडवेंचर, इट्स मोर लाइक एक्सपीरियंस। मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाऊँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलूँ, लोगों को जानूँ, उस मुल्क का कल्चर जानूँ, मेरे लिए ये ट्रैवल है। सोफिया बाकी सारे यूरोप से बहुत डिफरेंट है, ये मोर लाइक लाहौर पाकिस्तान के तरह का ज़्यादा लग रहा है। आई रियली लव इट। सोफिया में पहुंच के मैं बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम यूरोप में फिर रहे हैं, और फुल टाइम देसी माहौल। वही हकीमों के कुश्ते, दुकानों के बाहर रेड़ियाँ, फ्रूट के स्टॉल्स, बड़ी सुपरमार्केट के बजाय वही छोटे किराना स्टोर्स, शहर के बीच में खाली प्लाट्स जिसमें लोगों ने गंद फेंका हुआ है, और ये सोफिया के चुबुर्जी, सब्जी के ठेले, उस तरह बिल्डिंगों के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, जस्ट अमेजिंग। अगर आप सोफिया के डाउनटाउन की तरफ जाते हैं, वहाँ आपको मिलता है ये खूबसूरत चर्च, ये सेंट अलेक्जेंडर चर्च। ये सोफिया का लैंडमार्क भी है। बाहर से तो अमेजिंग लग रहा है और अंदर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको किसी और टाइम के लिए छोड़ देते हैं।
इमेजिन आपका सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ प्लान के मुताबिक है, और फिर अचानक आपके सितारे गर्दिश में जाते हैं एंड एवरीथिंग चेंज। मैं भी पिछले 2 घंटे से सिटी एक्सप्लोर कर रहा था, अपनी वीडियोस शूट कर रहा था। हिस्ट्री के बारे में कोई म्यूजियम बनाया है उन्होंने, सीम्स इंटरेस्टिंग, लेकिन डिपेंड करता है मेरे को टाइम कितना है, क्योंकि तुर्की भी जाना है। लेकिन जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ वो तो एक मॉस्क है, जहाँ कुछ खास मॉस्क है, पहले वो विजिट करनी है, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो ना बुला सकते जल्दी से, सीम्स इंटरेस्टिंग। लेकिन अचानक 5 गाड़ियाँ पुलिस की आई हैं जिन्होंने मुझे रोक लिया और मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पर जाकर शुरू हुई है मेरी इन्वेस्टिगेशन। और मुझे अरेस्ट इसलिए किया गया था कि यहाँ पे एक ज्यूइश का म्यूजियम है सोफिया में, मैं उसकी वीडियोस बना रहा था, जहाँ पे वीडियो बनाना मना नहीं है, लेकिन किसी शक की बेस पे वो मुझे यहाँ पे ले आए हैं। 1-2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद, अपनी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जो मेरी फुटेज थी उस बिल्डिंग की वो सारी उन्होंने डिलीट कर दी। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का कोई फ़ायदा तो होता, वीडियोज तो मैंने रिट्रीव कर ली थी लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी में वापस नहीं मिल सकी। बस यही रह गया था आज के लिए। चलान नंबर ये है, बैंक देखते हैं वहाँ पे, जमा कराते हैं, पहले पे करके फिर चाबी ले जानी है उनसे। हाँ, चाबी कहाँ से लेनी है? और चाबी पता नहीं, वो खुद आएंगे महफिल खोलने, कॉल करके तो पूछे ने। वही करने लगो। अगर आप बाई चांस कभी बुल्गारिया में आ जाते हैं तो आपको कहीं पे भी पार्किंग टिकट नहीं मिलेगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी आपने जब पार्क करनी है टिकट कहाँ से लेनी है? ये हमारे इश्तियारी भाई हैं, ये आज थाने से होके आए हैं, और अब देखे कॉन्फिडेंस चेक करे बंदे का, थाने से होके आके भी व्लॉगिंग से बाज नहीं आ रहा, ये व्लॉगिंग के चक्कर में थाने गए थे, उन्होंने शितर मारे, अब इनसे बैठा नहीं जा रहा तो खड़े हैं। ऐसे यूरोप में, नीदरलैंड जो स्पेसिफिकली, जर्मनी, बाकी कई मुल्कों में उन्होंने मशीन्स लगाई होती हैं जहाँ से आप कार्ड से पे कर देते हैं पार्किंग, देन यू हैव पेड पार्किंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन बुल्गारिया में इन्होंने मशीनें नहीं लगाई हुई, अगर आपने कहीं पे गाड़ी पार्क करनी है तो जो पीछे स्टोर बने हुए हैं इनसे जाके आप टिकट ले के वो अपनी गाड़ी के आगे आपने रखनी होती है। दैट्स न्यू फॉर अस बट गुड टू नो। अभी तक तो 2 दफ़ा रुक गए हैं बट स्टिल चिल, स्टिल एंजॉय। फिर यहाँ की लोकल कौंसिल को फ़ोन किया, उन्होंने बंदे भेजे, फाइन पे किया, फिर उन्होंने हमारी गाड़ी रिलीज़ की। इज दिस स्वीट? हाँ भाई, फिर चीज़ वाले ले ले, ये मेरे ख्याल चीज़ के साथ है। कैन वी हैव टू दिस वन? Yes, please do it. Is it food here? No, we'll take away. Okay. And also 2 this one, please. 2? Yes. And also please 2 cookies, this one. 2 of these? Yeah. Yes. Yes, please. Yes, please. Okay. Okay. What is Banista? What is this? This thing? Ah, this is Banista. Yeah, our variation of the, you can go we'll check. This is I think typical Bulgarian. Mm-hmm. Nice. Not only Bulgarian, to be honest, all around the Balkans we have a similar problem, and some call it banitsa, others call it burek, but it's pretty much the same thing. Okay. Yeah. For us it's first time, so hopefully it'll good. Thank you. Bye. Thanks, bye. यानी आपके कनेक्शन बड़े हैं यार, बुल्गारिया तक कनेक्शन आपके है। आप समझते नहीं है बात को, मुझे कॉल आपको पकड़े गए थे जब पुलिस में। हाँ हाँ, मैं फाइनल कॉल करूँ, मुझे आई नो आपकी वजह छोड़ दिया, वरना उन्होंने मुझे वहाँ लटाया हुआ था। पूरी बात ही बता दी, ऊपर ऊपर हो रहे हैं। अब सारी आपको बता दी ना, खोल दो यार। बुल्गारिया में मेरा स्टे तो बहुत कम था, सिर्फ कुछ घंटे के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा एक्साइटमेंट है तुर्की जाने की, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा प्लान नहीं किया, लेकिन शायद वापसी पे अगर टाइम मिला तो यहाँ पे रुक के जाएंगे और इस सिटी को अच्छी तरह एक्सप्लोर करके जाएंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड तुर्की।